आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान का मांस खा सकता है? शायद सुन के आपको काफी अजीब लग रहा होगा, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो इंसानी मांस के शौकीन होते हैं। इसको कैनिबलिज्म कहा जाता है, और जो इंसानी मांस खाते हैं उनको कैनिबल्स यानी नरभक्षक कहते हैं। दुनिया में कई कैनिबल्स देखे जा चुके हैं, और क्योंकि इंसानी मांस किसी दुकान पर नहीं मिलता, इसलिए ये कैनिबल्स पहले किसी इंसान को मारते हैं और फिर उसको खाते हैं। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा कैनिबल अमेरिका का रहने वाला जेफरी डैमर था, जिसने 17 पुरुषों को मारा था उनका मांस खाने के लिए। जेफरी को नेक्रोफिलिया नाम की एक बीमारी थी। इस बीमारी में इंसान को मुर्दों के साथ सेक्स करना पसंद होता है। कोर्ट ट्रायल्स के दौरान पता चला कि जेफरी मानसिक तौर से बीमार था, इसलिए उसे 15 साल की सजा मिली और क्रिस्टोफर स्कार्वर नाम के व्यक्ति ने उसकी जेल में ही हत्या कर दी। भारत में भी अघोरी साधु होते हैं जो शिव भगवान को मानते हैं, और माना जाता है कि वो इंसानी मांस खाते हैं। एक और ऐसा मामला नोएडा निठारी गांव से 2006 में सामने आया था, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पुलिस को सूचना मिली कि निठारी गांव में काफी लोग गायब हो रहे हैं, लेकिन पुलिस ने शुरुआत में इस पर इतना ध्यान नहीं दिया और परिजनों के गरीब होने के कारण उनकी कोई सुनवाई नहीं की। डर का ऐसा माहौल बन गया कि कोई भी अपने बच्चे को बाहर नहीं भेजता था। वहाँ पर एक पानी की टंकी थी और लोगों को ऐसा लगने लगा कि टंकी के पास भूत है, इसलिए लोग गायब हो रहे हैं। लेकिन लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद दो नाम सामने आए, सुरिंदर कोहली और मनिंदर सिंह। सुरिंदर कोहली अपने मालिक मनिंदर के साथ उसकी कोठी में ही रहता था। आगे सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि बच्चों के गायब होने के पीछे सुरिंदर कोहली का हाथ है। वह पहले बच्चों का शोषण करता था और फिर उन्हें पकाकर खा जाता था। उसने एक इंटरव्यू में बताया कि वह शरीर के बीच का हिस्सा पकाकर खा जाता था और बाकी हिस्से को पन्नी में बांधकर उसके घर के पीछे बह रहे नाले में फेंक देता था। उसने बताया कि उसका मालिक मनिंदर अक्सर कॉल गर्ल्स को बुलाता रहता था और वह ये सब देखता था, जिस वजह से उसके अंदर इस तरह की भावना आने लगी। पहली बार उसने कॉल गर्ल का ही मर्डर किया था, जिसने उसको बुरा भला बोला था, और गुस्से में सुरिंदर ने उसका मर्डर कर दिया। बाथरूम में उसको रख करके फिर नीचे आया रसोई में, रसोई से चाकू लेकर के गया, फिर उसको तुरंत काट डाला। मर्डर करने के बाद सुरिंदर ने उसके टुकड़े किए और बीच के हिस्से को कुकर में पकाकर खा गया और बाकी हिस्से को नाले में फेंक दिया। जब सीबीआई ने जांच की तो देखा कि नाले में लगभग 40 पैकेट्स मिले, जिसमें ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स थे। पुलिस ने बताया कि नाले से 31 बच्चों का शव बरामद किया गया, और जब सुरिंदर से इसके बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि वे पिछले 3 साल से ये सब कर रहा है, इसलिए उसको याद नहीं है। बच्चों के परिवार वालों ने ये आरोप लगाया है कि अगर पुलिस अच्छे से कार्यवाही करती कि उनके बच्चों की जान बच जाती। बाद में मनिंदर को बेल मिल गई, पर सुरिंदर अभी भी जेल में है। उसको 8 बार कोर्ट से फांसी सुनाई जा चुकी है, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से रुक जाती है। इस केस से पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। आज भी लोग इस केस को याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।